खबर है, गठबंधन पर ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है आजमगढ़ उपचुनाव में सपा प्रत्याशी को जिताएंगे, गठबंधन टूटने की अफवाह फैलाई जा रही है। ये भी ओपी राजभर कहते हुए नजर आए, किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे, ये राजभर ने कहा है। बड़ी खबर ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है गठबंधन को लेकर। बोले आजमगढ़ उपचुनाव में सपा प्रत्याशी को जिताएंगे, गठबंधन टूटने की अफवाह फैलाई जा रही है, किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। समाजवादी पार्टी को लेकर के तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं, उनके घटक दल को लेकर के कि नाराजगी चल रही है। अखिलेश यादव अभी तक अपने परिवार से नाराजगी थी, चचा साथ में नहीं आ रहे थे, अब केशव देव मौर्य की नाराजगी देखी जा रही है, आपकी पार्टी की तरफ से नेताओं के ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या है सब? नहीं देखिए, जहां तक शिवपाल जी की बात हो रही है, आपने देखा कि चुनाव के पहले आपने हमसे भी पूछा था कि चाचा भतीजे का क्या होगा, तो मैंने कहा एक होंगे, 22 में एक हो गए। अभी कुछ दिन पहले आप ही लोगों ने हल्ला किया, चर्चा बताया, पूछा सवाल कि आजम खान जी नाराज हैं, शिवपाल जी नाराज हैं, राज्यसभा चुनाव में दोनों एक जगह हो गए, MLC के चुनाव में दोनों लोग एक जगह हो गए, नाराजगी कहाँ है? और सब एक हैं, गठबंधन एक है, सब लोग एक साथ हैं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। आपकी पार्टी के नेताओं को जस्ट ट्वीट किया कि 38 मिली थी RLD को, वो जीते 8, आपको मिली 16, आप जीते हैं 6, तो ये नाइंसाफी एक के तौर पर एक ट्वीट किया गया आपकी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से, क्या कहेंगे इस पे? मतलब सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने जो ट्वीट किया वो 100% सही है, उनका बयान जो है सही है, हमारे और जो प्रवक्ताओं ने बयान दिया है ट्वीट किया वो सही है, उन्होंने ये नहीं ट्वीट किया कि हम आज समाजवादी पार्टी से अलग हो रहे हैं। लेकिन निराश हैं? नहीं, वो निराश हैं, स्वाभाविक है कि उम्मीद होती है तो निराशा फिर आशा में बदल जाएगी। केशव देव मौर्य भी नाराज हैं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य को तरजीह दी गई, उन्होंने संघर्ष किया पार्टी से, उस टाइम पे जुड़े थे जब पार्टी के साथ कोई नहीं था, तो उनकी नाराजगी है कि आखिरी में पैराशूट लैंडिंग के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़ते हैं और वो MLC बन जाते हैं, उनकी पार्टी को कोई पूछता नहीं है। पूछेंगे, नाराजगी थोड़ी देर के लिए होती है, झगड़ा नहीं होता है गांव में, फिर सब एक हो जाते हैं, ऐसे ही नाराज होंगे, सब खुश हो जाएंगे, देखिएगा। एक तरफ शिवपाल सिंह यादव को लेकर के अंतिम सवाल, आप कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है पार्टी में सम्मान नहीं हो रहा है, उनके तमाम नेता ऐसे कह रहे हैं, आजम खान के साथ भी यही, उनके तमाम नेता ये कह रहे हैं आजम खान के साथ सम्मान नहीं किया और उनको जो तरजीह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, ये सभी लोग क्या समाजवादी पार्टी से अभी जुड़े हैं, खटास चल रही है या क्या आगे आने वाले दिनों में होने वाला? आजम खान जी नाराज नहीं है, शिवपाल चाचा नाराज नहीं है, आप विधानसभा चलेगा तो आपको मैं दिखा दूंगा फोटो खींच के, समाजवादी पार्टी की गोल में बैठते हैं, समाजवादी पार्टी की जो प्रतिपक्ष की गोल है उस गोल में बैठते हैं, अगर उस गोल से हट के कहीं बैठे तब तो हम मानने की नाराज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।